तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ अगेन आपके अपने चैनल गौरव स्टडी पॉइंट पर, और मैं आपका टीचर प्रशांत। और स्टार्ट करते हैं आज एक और नए सेशन के साथ। ओके, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए थे, सर जो आप सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट हमको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। ओके, तो उन्होंने कॉल करके मुझसे रिक्वायरमेंट करी, सर आप इंग्लिश विद हिंदी पढ़ाएंगे देन विल बी इजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, तो आज मैं आपको इंग्लिश विद द हिंदी ही पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी उसको ही आगे बढ़ाएंगे आज। ओके, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास की ओर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको हम सिर्फ और सिर्फ तीन ही टाइम्स में बोलते हैं। वो कौन कौन से टाइम्स हैं वो आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि आपको पता भी हो। ओके, फिर भी आपको बता देता हूँ। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो हम तीन टाइप्स में ही बोलते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? एक तो होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। या तो दोस्तों हम बात करेंगे प्रेजेंट की बात करेंगे या पास्ट की बात करेंगे या फिर फ्यूचर की बात करेंगे। इन तीनों के अलावा हम और किसी भी समय में बात नहीं करते। अगर करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, तो हम जब भी इंग्लिश बोलेंगे इन तीन ही टाइम्स में बोलेंगे, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, एंड यू जस्ट रिमेंबर दैट थिंग। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, जो जैसा कि मुझे रिक्वायरमेंट में आया था कि आप हिंदी के साथ इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो मैं वो स्टार्ट करता हूँ। सो कुछ नए दोस्त भी हमारे जो इस चैनल पे जुड़े हैं नए, और वो कह रहे थे सर हमको बिल्कुल स्टार्टअप से सीखना है। तो मैंने कहा नॉट एन इशू, वी जस्ट स्टार्टेड बिफोर वन डे। तो मैं दूसरी क्लास में भी डे वन का थोड़ा सा कवर अप कर लेता हूँ। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। ओके, सो ये वीडियो जो है मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया है जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। यहां पे क्या होता है? आई। आई मीन्स क्या होता है? आई मीन्स होता है मैं। ओके, आई मीन्स होता है मैं, और यू मीन्स तुम। ओके, बी हम, everybody knows that we means hum, he beh, she also beh, और it भी beh के लिए लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं? it लगाते हैं तब वो जब non living thing होती हैं। कौन सी? non living things, जिन चीज़ों को मतलब बेजान बोलते हैं हम, उन्हें बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स इन इंग्लिश। ओके, तो जो नए दोस्त हैं उनके लिए जिनको ये स्टार्टअप से करना है, हालांकि हमारे जो पुराने हैं जुड़े हुए जो सब्सक्राइबर्स, उनको ये सारी चीज़ें आती हैं एज आई टोल्ड देम बिफोर। तो ये जो नए भाइयों के लिए है, आई मीन्स मैं एंड यू मीन्स तुम, बी मीन्स हम और ही मीन्स बह और सी मीन्स बह, और इसका यूज़ बता देता हूँ। ही यूज़ करते हैं मेल पर्सन के लिए। किसके लिए? मेल पर्सन यानी पुरुष के लिए। ओके, एंड सी होता है स्त्री। ओके, जब भी फीमेल हो। ओके, तो जब भी फीमेल हो उसके लिए हम सी यूज़ करते हैं, और पुरुष हो तो उसके लिए ही यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो मैं कुछ आपको एक इतना इंटरेस्टिंग समझाने जा रहा हूँ जिसको देखकर हाँ बोलेंगे दैट सर आई कैन स्पीक नाउ। ओके, तो अभी देखते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंग्लिश को हम कितने टाइम्स में बोलते हैं। इंग्लिश को हम थ्री टाइम्स में बोलते हैं। कौन कौन से टाइम्स हैं वो? एक तो प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ आपको कि प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट जो होता है वो अभी के लिए होता है। ओके,
प्रेजेंट मीन्स होता है अभी, पास्ट मीन्स जो हो चुका है भूतकाल, फ्यूचर जो होने वाला है यानी कि भविष्यकाल। ओके, तो मैंने आपको अभी कुछ चीज़ें दी थी, जैसे आई मीन्स मैं, ओके, एंड ही और सी एंड इट नॉन लिविंग थिंग, ही लगाते हैं उसके लिए भी, ओके, और उसके बाद यू, वी, दे, ओके। अब देख लेते हैं, मैंने एक चार्ट छोटा सा आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आपके लिए तैयार किया, एक छोटा सा चार्ट ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, प्रेजेंट में जब भी हम अपने लिए कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, तो उसमें दो चीज़ का यूज़ हमें करना पड़ेगा, एम और हैव। ओके, अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, ही सी इट, जब भी प्रेजेंट में इनके बारे में, ही सी इट मैंने, कोई थर्ड पर्सन होता है, लाइक दो लोग हम खड़े होकर बात कर रहे हो और तीसरा वहां से कोई गुजर रहा हो तो उसको बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। ओके, तो थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं, ही सी, ओके, तो उसके बारे में बात करने के लिए जब भी हम प्रेजेंट में उनकी बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, इज एंड हैज। ओके, यू, वी, दे, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, आपको बता चुका हूं पहले ही, यू मीन्स तुम होता है, वी मीन्स हम होता है, और दे मीन्स वे होता है। ओके, एक काम करता हूं, मैं आपकी कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा लिख देता हूं इनको ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी नए बच्चे हैं, दे मीन्स वे, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, और ही मीन्स वह फॉर द मेल, और सी मीन्स वह फॉर द फीमेल, और इट फॉर नॉन लिविंग थिंग। ओके, तो यू इन सब के लिए क्या लगता है, देखिए, यू, वी, दे, इन तीनों चीज़ों के लिए एक ही सेम लगता है, जैसे आई के लिए एम और हैव लगता है, और ही सी इट के लिए इट और हैज लगता है, इन तीनों के लिए लगता है आर और हैव। क्या लगता है, आर और हैव। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज किया जाना चाहिए इनको। ओके, एंड पास्ट में जब भी, एक बात का और ध्यान रखना, जब भी हम अपनी बात करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी बात करें, तो एक चीज का ध्यान रखने, अपनी बात करने के लिए हमारे पास ये वर्ड होता है आई, आई मीन्स मैं होता है। ओके, आई मीन्स मैं होता है ना, ये सबको पता है अच्छी तरह से, तो जब भी मैं अपनी बात करूंगा मैं का यूज करूंगा, जाहिर सी बात है मैं एक क्रिकेटर हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए क्रिकेटर, आई एम अ क्रिकेटर। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या आएगा इसमें, जब भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हमारे पास ये, और पास्ट की बात करेंगे तो वॉज, वॉज एंड हैड। ओके, अब आ जाते हैं ही सी और इट, तो यहां पे क्या लगाएंगे, ही सी इट, यहां पे भी वॉज और हैड। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यू, यू, वी और दे, सो फॉर द आई एंड ही सी इट द स्ट्रक्चर इज सेम। ओके, इनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, बर्ड हेड। ओके, ये हो जाता है इनके लिए, तो इनके लिए, इन तीनों चीजों के लिए सेम रहने वाला ही है ये, जैसा कि मैंने बताया था इस वाले प्रेजेंट वाले स्ट्रक्चर में, और इस वाले में भी सेम रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जब भी बात करेंगे फ्यूचर यानी आने वाले कल की, फ्यूचर मीन्स होता है आने वाला कल, तो आने वाले कल की बात करेंगे तो हम लगाएंगे यहां पे विल। ओके, हैव, ही सी इट, सेम थिंग आ जाएगा, विल, हैज। ओके, एंड सेम
विल हैव. अब आप सोच रहे होंगे सर फ्यूचर सेंटेंस में तो शैल भी होता है, फ्यूचर सेंटेंसेस में भी तो शैल भी तो होता है, लेकिन ड्यू ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्पीकिंग हम किसी भी सेंटेंस को विल या शैल या इन सारे सेंटेंस को शैल में भी बोल सकते हैं. लेकिन ध्यान रखना जब भी किसी से क्वेश्चन पूछो, आप जब भी किसी से क्वेश्चन पुटअप करना हो, डोंट यूज विल देयर. ओके, वहां पे सिर्फ और सिर्फ शैल ही यूज करना है. ओके, और बाकी हम मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सारे सेंटेंसेस को विल में बना सकते हैं. ओके, चलिए मैं आपको एक दो सेंटेंसेस बता देता हूँ इसके करके. पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको करने में आसानी हो. कम से कम आप 4 से 5 सेंटेंस घर से करें ताकि आपको इजीली लगे कि हाँ यार वी कैन स्पीक, एटलीस्ट वी आर जस्ट ग्रोइंग अप फ्रॉम हेयर. ओके, सो गौरव स्टडी पॉइंट पर मैं आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा देता, और ये आपको फर्स्ट डे कमिटमेंट कर चुका हूँ. एंड गाइज, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और जितने भी दोस्त इंग्लिश सीखना चाहते हैं आपके उन सबको कॉल करें और चैनल का नाम बताएं, या फिर उनके व्हाट्सअप में और उनके व्हाट्सअप पर्सनली जाकर उनको लिंक मैसेज कर दें ताकि वो चैनल पे विजिट करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को देख के इंग्लिश सीख जाएं. ओके, तो मैंने आपको वो बोला था अभी आपका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब देखते हैं, मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर ले लेते हैं और प्रेजेंट की बात करते हैं. अभी पास्ट की बात को छोड़ देते हैं, तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं. तो प्रेजेंट में जैसे मैं बोलूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, सॉरी मैं एक विद्यार्थी हूं. विद्यार्थी, मैंने आपको बताया था कि जब भी अपनी बात करेंगे हम तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखेंगे कि मैं जब भी अपनी बात करूं मैं का मतलब आई होता है, तो आई के बाद से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे आई. और मैंने आपको क्या बताया था, आई के साथ क्या लगता है, एम. आई एम एक विद्यार्थी हूं, एक मीन्स ए. ओके, तो आई एम ए विद्यार्थी का क्या होता है, स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल. ओके, तो आई एम ए स्टूडेंट. अब मैं बोलूं कि मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक मार्कर है, तो आई यानी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, इस बात को माइंड करना. आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है. अब मैं बोलूं कि मेरे पास एक मार्कर था, मेरे पास एक मार्कर था, तो आप इस बात का सेंस लगाइए कि मैं कब की बात कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं, पास्ट की बात कर रहा हूं. तो पास्ट की बात कर रहा हूं, तो पास्ट की बात के लिए मैंने क्या दे रखा है, या तो वाज लगाएंगे या फिर हैड लगाएंगे. जब भी कोई चीज रखते हैं तो आपको इतना पहले से पता है कि हैड या हैड लगाते हैं. ओके, तो अब पास्ट में बात कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, और अपनी बात कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, आई. ओके, तो आई हैड, मेरे पास क्या था, मेरे पास एक मार्कर था, तो आई हैड ए मार्कर. ओके, तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, अगला देख लेते हैं. लाइक हम अपनी बात ना करके सामने वाले को किसी को बोल रहे हैं, सामने वाले को किसी को कुछ भी बात बोल रहे हैं. लाइक मैं जैसे बैठा हूं और मैं बहुत देर से आवाजें मार रहा हूं किसी को और उसको सुनाई नहीं आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके पास जाके क्या बोलेंगे, ओ मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो. एंड तुम, वी हैव अ वर्ड फॉर दैट, यू. ओके, यू और बात सुनना, या सुनना, सुनना की होती है लिसन. ओके, यू लिसन मेरी बात सुनो, मी, यू लिसन मी, यू लिसन मी. ओके, तो इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि जो नए भाई जुड़े हैं इस चैनल के साथ उन्होंने बोला था सर स्ट्रक्चर को ज़्यादा लंबा ना खींचकर हमें शॉर्ट टर्म में ही सारी चीज़ें समझा दीजिए आप. और जैसा कि मैंने आज पढ़ाया आपको, उनकी रिक्वायरमेंट भी यही सेम टू सेम थी कि सर आप इंग्लिश को हिंदी के साथ पढ़ाएंगे देन वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, तो मैंने आज वही किया है, इंग्लिश को हिंदी के साथ पढ़ाया है. और अगर गाइस आपको लगा है कि मुझे और कुछ चेंजेस करने चाहिए मुझे अपने पढ़ाने के लिहाज से, तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और उसके बाद मैं चेंजेस वो भी कर लूँगा. लेकिन यहाँ तक मेरा सवाल है, यहाँ तक मेरी सोच है या मेरा सवाल है कि ये स्ट्रक्चर जो नए भाइयों ने रिक्वायरमेंट रखा है, आई थिंक इट्स टू गुड, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है और हो सकता है कि आपको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा हो. तो अगर मज़ा आ रहा हो तो प्रेजेंट जरूर लगा देना, प्रेजेंट लगाए बिना मत जाना,
क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ धमाकेदारी लेके आने वाला हूँ मैं. ओके, सो टिल देन बाबा टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना या करवाए बिना कहीं हिलना मत, और ध्यान से सबको चैनल सब्सक्राइब करवा देना. और जो जो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीबॉडी हु इज सेइंग के मुझे इंग्लिश सीखना है, यू जस्ट कॉल देम एंड टेल देम कि वी आर जस्ट लर्निंग फ्रॉम समवेयर गौरव, फ्रॉम गौरव स्टडी पॉइंट, और आप आ जाइए वहाँ पर सीखिए और अच्छे से सीख जाएंगे. और गाइस, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम और भी आगे तक जाएंगे और आपके लिए और बहुत बहुत बेहतरीन फैकल्टीज़ का इंतज़ाम करने वाले हैं. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगले वीडियो.